अपने पुत्र को जब इन बातों को कहा ना, तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को बड़ी सुंदर बातों में समझाया, पिताजी यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हो ना, तो सुख का तो एक ही मार्ग है, सुख का तो एक ही मार है, हर व्यक्ति अपने दुख से दुखी है। और इंसान कैसे दुखी है, किस किस अग्नि से दुखी है, कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कितना बड़ा दुखी व्यक्ति है कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। पिताजी इस संसार में कोई अपने तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, लेकिन देखा जाए ना तो सुखी तो जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति सुखी है। और सुखी व्यक्ति कौन रहता, आप सुख की बात कर रहे हैं, इस संसार को चलाने वाले भी सुखी नहीं है, यहाँ के लोगों की बात नहीं, अपने नेताओं की बात नहीं, अपने मंत्रियों की बात नहीं, इस लोक को छोड़ो उस लोक में भी देखो ब्रह्मा विष्णु आदि महेश भी कोई सुखी नहीं। कि दीन कहे धनवान सुखी, जो दीन व्यक्ति होता है ना सड़क के किनारे पर सोता है ना, वो शायद सोचता है इस मकान में रहने वाला व्यक्ति सुखी होगा, इस झोपड़ी में रहने वाला सुखी होगा, झोपड़ी वाला सोचता है मकान वाला सुखी होगा, जब देखते देखते समाचार मिलता है कि सुखी तो कोई भी नहीं। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास बिचारे कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, तुलसीदास बिचारे कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। यहाँ की बात नहीं, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र चक्रवर्ती सम्राट है लेकिन वो इंद्र भी सुखी नहीं, इंद्र सोचता है ब्रह्मा जी सुखी हैं, ब्रह्मा जी सोचते हैं विष्णु जी सुखी हैं, और जब तुलसीदास जी ने सबको देखा ना तो हर भजन बिना सब जीव दुखारी, भगवान के जो भजन नहीं कर रहा, भगवान से जो जुड़ा नहीं है वो हर व्यक्ति दुखी है, चाहे वो पंडित हो चाहे ज्ञानी हो चाहे संत हो चाहे गृहस्थ हो, जो परमात्मा से नहीं जुड़ा वो दुखी दुखी है, सुख तो कहीं पर भी नहीं उसकी। आत्मदेव ब्राह्मण के लिए जब गोकर्ण जी ने समझाया ना तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा मरने का मुझे गम नहीं, पुत्र ये सोचता है कि मैं मरूंगा, मरने का मुझे गम नहीं है, कि मरने का मुझे गम नहीं, नाशवान संसार है आया है सो जाएगा, यही जगत व्यवहार है। कहा आत्मदेव मरने का गम नहीं है, इस संसार में जो व्यक्ति आया है ना उससे तो यहाँ से जाना ही है। कबीर दास जी ने भी तो बड़ा सुंदर भाव से दर्शाया कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो व्यक्ति
व्यक्ति आता है ना वो सुते ही बंधा हुआ चला जाता है। गोकर्ण जी महाराज ने समझाया, पिताजी आप इस चिंता को छोड़ करके जाइए ना, कहीं एकांत में बैठ करके भगवान का भजन कीजिए, परमात्मा की भक्ति कीजिए। आत्मदेव ब्राह्मण घर परिवार को अपने बच्चों को छोड़ करके जंगल में जाने लगे। जंगल में जाकर के अपने प्रभु का एकाग्र चित्त करके आसन लगा करके मन को वशीभूत करके परमात्मा का भजन करते।